सब्सक्राइब करें शहरयार नेटवर्क और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। पढ़ा जब वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, पढ़ा जब वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। हजार दानिश्वरा ने कौम मिल्लत, आज मैं इस हकीम उशाद इजलास में जंग आजादी में उलमाए किराम की कुर्बानियां के अनुमान पर कुछ देर लबकुशाई करने जा रहा हूँ। अगर आपकी तवज्जोहात बनी तो इंशाअल्लाह आपके सामने तारीख के ऐसे अबवाब खोलूंगा कि जंग आजादी की सच्ची और हकीकी तारीख और मुजाहिदीन की सही सूरत में उभर कर सामने आ जाएंगी। हालांकि इस दौर में जंग आजादी की हकीकी तारीख फरामोश की जा रही है, मुसलमानों की कुर्बानियों को मलिया में किया जा रहा है, उलमाए किराम की कुर्बानियों पर बदनुमा दाग लगाया जा रहा है और ऐसी नाज़ेबा हरकत करने वाले वो लोग हैं जिनकी तारीख गद्दारी से लबरेज है, जिनकी तहरीक कहानियों से हमारा मुल्क अज़ीज़ करार रहा है, यहाँ के बाशिंदों का सुकून मुगालत हो गया है, यहाँ के अंदरीबों पर मुर्दनी छाई हुई है। हकीकत तो ये है कि मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो हो, मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। मिल्लत इस्लामिया के गयूर और बाहमियत फर्जंदो, मुसलमान ही वो कौम है जिसने इस मुल्क पर जब्त दराजी करने वाले जालिमों को कभी माफ नहीं किया। जब भी इस मुल्क की अजमत को तलाश करने वाले इस मुल्क की तरफ मुतवज्जे हुए हैं तो सबसे पहले जिस कौम ने जान की बाजी लगाकर वतन की हिफाजत और सियानत की जिम्मेदारी को निभाया है वो कौम कौम मुस्लिम ही है। चूंकि वक्त की तंग दामानी है, वरना इस मुल्क में मुसलमानों की आमद की रोशन तारीख से शुरू करके आज तक के वाकयात को बयान करके मैं बताता कि ये है हमारी वफादारी की दास्तान है जो कायमत रोशन और ताबीता रहेंगी। हाजरीन मोहतरम, हिंदुस्तान में तहरीक आजादी की बुनियाद रखने वाले हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के नापाक कदम की खतरनाकियों को महसूस किया था और अपने लोगों को उनके मुकाबला के लिए आमादा किया था, इसलिए मैं तारीख का अगला तारीख में होने की बिना पर यह कहने की जरूरत रखता हूँ कि सन 1757 में बंगाल की सरजमी से उभरने वाले मुजाहिद आजादी लेकिन तब्दील इलाही में इन मुजाहिदीन की उखरवी का
तो एक अंग्रेज मुसनिफ लिखता है कि सन 1857 में 40-40 उलमाए कराम को लाया लाया जाता और खोलते हुए कराम में डाल दिया जाता, लेकिन मुझे कोई आलिम ऐसा नहीं मिला जिसने अपनी जान की हिफाजत के लिए एक